वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कहते हैं कि एजुकेशन का मूल उद्देश्य आदमी को उसकी वास्तविक जिंदगी की जंग जीतने के लिए तैयार करना है। हमारा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर असली जिंदगी की उस टीचर से हम मुखातिब होंगे जिसने अपनी जिंदगी के पाठ से संपूर्ण हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों को अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीने के लिए प्रेरित किया है। हमारे बीच वो लड़की मौजूद है जिसने बचपन में अपने आदतन शराबी पिता का साया खोने के बाद अपनी माँ के साथ जिंदगी को नए तरीके से देखने की कोशिश शुरू ही की थी कि एक एक्सीडेंट ने उनके शरीर के काफी कुछ हिस्से को लगभग सा खत्म कर दिया। इस उम्मीद के साथ वो माँ और बेटी दोनों हॉस्पिटल पहुंचती हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, वो इसे बचा लेगा और हम जिंदगी की जंग को फिर नए सिरे से शुरू कर पाएंगे। लेकिन वहां भी भाग्य और नियति ने उनका साथ नहीं छोड़ा और एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उस लड़की का एक पैर पूरा का पूरा सुन्न हो गया, सेंसलेस हो गया। माँ और बेटी दोनों इस कोशिश में कि हम जिंदगी की जंग को हारेंगे नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स के संपर्क में रही। अंततः निष्कर्ष ये रहा कि उस लड़की का एक पैर काटना पड़ेगा, तभी उस लड़की की जिंदगी बच सकती है। अपनी जवानी के दिनों में उसने अपनी आंखों से अपने सामने अपने कटते हुए पैर को देखा और उसके बाद इस कहानी की कल्पना अगर हम में से किसी को करने के लिए कहा जाए तो शायद हम ये कहेंगे कि उसके बाद बेटी जिंदगी भर के लिए खाट पर रहने के लिए विवश हो गई होगी और माँ उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गई होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और यही उस लड़की का असली परिचय भी है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच संपूर्ण हिंदुस्तान की डांसिंग वंडर, ए सिंगल लेग डांसर और इस हिंदुस्तान के यूथ के लिए आइकन के रूप में काम करने वाली सुप्रीत कौर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ सुप्रीत को इस मंच पर बुलाया जाए। सुप्रीत, मैं लोरो धोरू मोरू पीर पैगंबरों सेठों सतियों साहूकारों और सुरवरों की सरजमी में आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों आदरणीय हरिजी सर हमें समय समय पर अच्छी कॉन्फ्रेंसेस देखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मैं आदरणीय ढाका जी भाई साहब, आदरणीय जटाशंकर जी, इस साल इंडिया टुडे यूथ समिट में हम चार साल से जा रहे हैं, इस बार भी गए थे। इस बार उस मंच पर दीपिका पादुकोण थी, बॉलीवुड के अर्जुन कपूर थे, पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य स्ट्रेटेजी मेकर पीयूष गोयल थे, अरविंद केजरीवाल के मुख्य सिफर सालार मनीष सिसोदिया थे, हिंदुस्तान की तमाम वो सेलिब्रिटीज थी। लेकिन पूरे पांडाल ने स्टैंडिंग ओवेशन जिस शख्सियत को दिया, वो शख्सियत आज हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल करें, स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। आइए हम उससे बात करें। सुप्रीत, सबसे पहले मैं ये कहते हुए कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है, मैं पहले सलाम करता हूँ। मुझे खुदा ने और मेरे गुरुवर ने शब्दों का दयार बख्शा है और आज ये सल्तनत मैं आपकी जिंदा दिली के नाम करता हूँ, आपकी बहादुरी के नाम करता हूँ। जवानी के दिनों में एक पैर का सुन हो जाना, उसके बाद अपनी आंखों के सामने उसे कटते हुए देखना, लोगों ने कल्पना की थी कि ये लड़की जिंदगी भर बिस्तर पर गुजारेगी। जिंदगी ने भी सोचा होगा कि ये लड़की कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगी। लेकिन उसके बावजूद आपकी जिद, जुनून और जज्बे ने आपको वहां तक पहुंचा दिया कि आज हमें से बहुत सारे लोग दो पांव होते हुए भी खुद के लिए नहीं नाच सकते। आज ये लड़की अपने एक पैर के दम पर संपूर्ण हिंदुस्तान को नचा रही है। वहां से यहां तक का सफर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आपने इतना वार्म वेलकम किया मेरा। मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर आके बच्चों का ये कार्यक्रम देख के। अगर आप इस सफर की बात करते हैं तो जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तब ये
तब से लेकर अब तक का सफर बहुत ही मुश्किल भरा था, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत क्यों नहीं हारी? मेरे मदर की वजह से, क्योंकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं सभी मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना कर सकूं। जब एक्सीडेंट हुआ था तो पता नहीं था कि इतना क्रिटिकल केस हो जाएगा। मेरी बीएससी नर्सिंग की पहली क्लास थी जब मैं क्लास लगा के वापस आ रही थी, तो एक्सीडेंट के बाद मेरा एक फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, फ्रैक्चर तो होते रहते हैं, तो क्या हो गया, नॉर्मल ही है। तो उसी फ्रैक्चर को लेके मेरे मदर ने मुझे एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। जब वो ऑपरेट करने लगे तो उनसे सेंसेशन की नर्व डैमेज हो गई और उसकी वजह से ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि उसी दिन मुझे 34 यूनिट्स ब्लड के चढ़े थे और मेरा बीपी 30-40 रह गया था। और मेरे मदर को आके बाहर कह दिया गया था कि आपकी लड़की को हम नहीं बचा पाएंगे। पर उस टाइम भी मेरे मदर ने हौसला नहीं हारा, उस टाइम भी एक डॉक्टर को खुद बुलवाया, उन्होंने आके ब्लीडिंग बंद की और उसी तरह ऑपरेट को बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं वेंटिलेटर पे थी और मेरे मदर को कह दिया गया था कि अगर 12 घंटे के बीच इसको होश आएगा तो शायद ये बच जाए, नहीं तो आप उम्मीद छोड़ दो। पर परमात्मा की वजह से मुझे होश आ गया और मैंने जब आंखें खोली मुझे लगा कि मेरे पैर सुन्न है, मेरी टांग सुन्न है नी जॉइंट से नीचे से। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मुझे लिखने को कुछ दो, क्योंकि मैं वेंटिलेटर पे थी, बोल सकती नहीं थी। तो मैंने लिख के पूछा कि मेरा पैर सुन क्यों है। तो मेरे मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाता है ऑपरेट के टाइम। तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मेरा ऑपरेट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उसके एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि ऑपरेट ख़राब हो गया था, इसकी वजह से मेरी लेग जो है वो सेंसेशन चली गई। तो दुख हुआ था थोड़ा सा कि ये क्यों हो गया। तो तब भी मुझे यह था कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह 2.5 महीने निकल गए, इसी तरह 3 महीने 4 महीने निकल गए, मुझे छुट्टी मिल गई। तो धीरे धीरे मेरी जो लेग है वो ख़राब होने लगी, नीचे से गलने लगी। तो धीरे धीरे वो जो मेरी पैर की उंगलियां थी वो भी झड़ने लगी। तो एक सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे बेड पे छोटी छोटी कीड़ियाँ चल रही हैं। तो मैंने देखा कि ये कहाँ से आ गई। मेरी टांग जो ढकी होती थी चादर के साथ, जब मम्मी ने चादर उठाई तो वो सभी कीड़ियाँ मेरे पैर को खा रही थी। सारी रात मेरे पैर को खाती रही और मुझे पता ही नहीं चला। तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ ख़त्म है, अब इसको लेकर मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी। तब मैंने फैसला किया कि मैं इसको कटवाऊँगी और मैंने अपने मदर से कहा कि मम्मी मैंने अपनी टांग कटवानी है। तो मेरे मम्मी ने कहा कि मैं भी चाहती थी ऐसे, पर मैं तुमको बोल नहीं पाती थी। तो मैंने कहा अब मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने ये टांग कटवानी है ताकि मैं बेड से उठ सकूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही डांस का शौक था बचपन से ही। तो जो लड़की इतने इतने घंटे डांस करती है घर पे, उसे एक साल तक बेड पे पड़े रहना बहुत ही मुश्किल बात थी। वो भी एक ही पोजीशन में, ना मैं बैठ सकती थी ना मैं साइड ले सकती थी, बस सीधे पड़े होना था मुझे। तो उसके बाद हमने ट्राई किया डॉक्टर्स के पास जाके कि आप टांग कटने की कोशिश करो। उन्होंने कोशिश की पर वो कह रहे कि नहीं, ऊपर से ही टांग निकालनी पड़ेगी नी जॉइंट से। तो ये भी मुझे मंजूर नहीं था। मैंने कहा नी जॉइंट से टांग निकाल दी तो भी कुछ बचेगा नहीं, मैं तो बैठ भी नहीं सकूंगी। तो हमने हाफ लेग कटवाने के लिए ट्राई किया। तो एक साल बाद हमें एक डॉक्टर ने कहा कि हम ये केस जो है हम लेंगे और रिस्क लेंगे। तो वो भी कह रहे हैं कि 10% चांसेस हैं इसके कि आप बच के बाहर आ जाओगी। ये मुझे नहीं कहा, मेरे मदर को कहा। पर मुझे भी पता था कि मेरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो चुका है, मैं अपने आप एक गिलास तक नहीं उठा सकती, तो कुछ भी हो सकता है। पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, भगवान मेरे साथ है। तो 2009 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 2010 को मेरा लेग रिमूव करने का ऑपरेट हुआ। तो जब ऑपरेट हो गया, मुझे हाफ एनास्थीसिया दिया गया था, तो मैं होश में थी। तो जब मैं बार बार पूछती थी डॉक्टर्स के कि हो गया ऑपरेट, हो गया, जब उन्होंने कहा कि हो गया ऑपरेट, उस वक्त मैं रोई थी। वो भी खुशी के आंसू थे कि मेरी ज़िंदगी भी बच गई और मेरी हाफ लेग भी बच गई, तो अब मैं कुछ कर पाऊँगी। तो उसके बाद भी जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मैंने डांस, तो अंदर था ही, तो मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। बेड पे पड़ी मैं स्टेप्स करती रहती थी। तो जब खड़ी हुई थोड़ा वुंड्स जो हील हुए, स्टिचेस कट हो गए, तो एक गाना आया था शीला की जवानी, तभी तभी।
तो मैंने उस पर डांस करना स्टार्ट कर दिया। मम्मी जब इधर उधर होते थे, मम्मी डांटते थे कि अभी तुम ठीक नहीं हो, बैठ जाओ रेस्ट करो। मैं खड़ी होकर फिर डांस करने लग जाती थी जब मम्मी काम करते थे। तो उसी वजह से मेरा एक छोटा सा ऑपरेट फिर हुआ था, क्योंकि वो जो अंदर से हील नहीं हुआ था तो वो मैं लाते रहती थी अपने स्टंप को, तो स्टंप को तो उसकी वजह से अंदर स्वेलिंग हो गई और वहाँ पर पस हो गई, इन्फेक्शन हो गई थी। तो उसकी वजह से एक और छोटा सा ऑपरेट हुआ था। तब मुझे स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तुमने बेड से हिलना नहीं, कोई डांस नहीं करना, अगर तुम हिली तो तुम्हारा पूरा लेग निकालना पड़ेगा। तब मैंने अपना 6 महीने पूरा बंद की प्रैक्टिस। जब मैं पूरी प्रॉपर ठीक हो गई तो उसके बाद मैंने घर में ही प्रैक्टिस की डांस की। तो उसके बाद आपने देखा है कि इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने परफॉर्म किया। कभी आपको सलमान खान साहब ट्वीट करके बधाई देते हैं, कभी किरण खेर, कभी करण जौहर खड़े होकर के आपको सजदा करते हैं, कभी माधुरी दीक्षित आपको गले लगाती हैं। छोटी सी उम्र में पाँव पे चीटियां चल रही हैं, मैंने ये भी सुना है कि आपके पैर की अंगुलियां टूट करके गिरने वाली हालत में हो गई थी, और उस समय भी आपके वीडियोज मैंने देखे हैं, आप हर समय हंसती रहती थी। एक शेर है ना कि तुम जो इतना मुस्करा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, हर समय इतना हंसती रहती हैं इस दर्द में भी। जी, मैं हर समय स्माइल करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि प्रॉब्लम आती जाती रहती हैं। अगर उस प्रॉब्लम को आप उदास होकर फेस करोगे तब भी वो प्रॉब्लम वहीं खड़ी होगी, वो जाने वाली तो है नहीं, वो जब उसने जाना है तभी जाना है। तो इससे बेटर है कि आप उसे मुस्कुराते हुए फेस करो, ताकि आपको भी तकलीफ ना हो ज्यादा। उसमें क्या एज थी आपकी जब आपका पैर कटने वाली स्थिति में था, उसमें आपकी एज क्या थी? मैं 23 साल की थी तब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इतनी कम उम्र में और इतना बड़ा डिसीजन, मन पे पत्थर रख करके शायद आपने ये निर्णय लिया होगा, या मुझे ये भी लगता है कि कभी अकेले में आप रोई भी होंगी, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? ये कहना झूठ होगा कि मैं रोई नहीं, मैं रोई रोती थी कभी कभी जब, क्योंकि मुझे बेड पे पड़े होना अच्छा नहीं लगता था। मैं इतना ज़्यादा स्पोर्टी थी, क्योंकि मैं 6 ईयर्स तक मैंने लॉन टेनिस भी खेला है, नेशनल लेवल तक गई हूँ, और उसके बाद फिर डांस भी करते रहती थी। तो इसकी वजह से मुझे बुरा लगता था बेड पे पड़े होना, तो मैं सोचती थी कब उठूंगी, कब उठ के कुछ कर पाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा उदास हो जाती थी। पर फिर भी एक मेरे मदर की सपोर्ट होती थी, और उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता तो 10 खुलते भी हैं, तुम घबराओ नहीं, तुम कभी उदास मत हो, मैं जहाँ तक होगा मैं तुझे लेके जाऊंगी, तेरा ट्रीटमेंट करवाऊंगी। सुबह बचपन में आपके पिताजी जो एक आदतन शराबी थे वो खत्म हो गए, उसके बाद में आपका भी एक्सीडेंट हो गया, पैर कटने वाली स्थिति में आ गया, आपको कई बार ऐसा नहीं लगा कि मैं और अकेली माँ इस जंग को कैसे जीत पाएंगे, कैसे हम वास्तविक जिंदगी की धारा में शामिल हो पाएंगे? कई बार माँ बेटी दोनों अकेले में बैठ करके ऐसा नहीं सोचती थी कि अब क्या होगा, हमारी जिंदगी का क्या होगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्या होगा, क्योंकि हमने हमेशा पॉजिटिव ही सोचा है कि अगर मुझे इतने बड़े ऑपरेट ने मुझे बचा लिया तो कुछ करने के लिए बचाया है, अगर मुझे भगवान ने लेके जाना ही था तो उसी वक्त ले जाता, तो अगर बचाया है तो कुछ, अगर मेरी जिंदगी है आगे इसीलिए मुझे बचाया है, कभी ऐसा नहीं नेगेटिव नहीं सोचा था। और अकेले काम करना तो मेरे मदर अकेले ही करते आए, अकेले उन्होंने हमें बड़ा किया तीनों भाई बहनों को, तो कभी उनको भी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ क्या करूँगी, अब सब काम वो अकेले ही करते हैं, हर जगह वो अकेले ही जाते हैं। आपकी हर बात में माँ का जिक्र आ ही जाता है, वो माँ जिसके बारे में कहते हैं कि कुछ इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में या खुशी में होती है तो रो देती है, ऐसा क्या माँ ने आपको हॉस्पिटल में और आपके जन्म के वक्त घोटी में पिलाया कि आप माँ बेटी दोनों इतनी मजबूत होती चली गई कि आज संपूर्ण हिंदुस्तान आपको सलाम करता है, माँ ने ऐसा आपको क्या सिखाया? मम्मी ने हमेशा मुझे पॉजिटिव रहने सिखाया है, कभी ये नहीं कहा कि तुम हार के घर में बैठ जाओ, ये अगर तुम्हारे फादर नहीं है तो बाहर मत निकलो, पढ़ाई मत करो या कुछ आगे काम मत करो, ये कभी नहीं कहा, हमेशा ये कहा है कि आप जो करना चाहती हो करो, बाहर जाना है बाहर जाओ, अच्छे से रहो, पर ये कभी नहीं, नेगेटिव वेव्स कभी नहीं दी मुझे मदर ने, हमेशा यही कहा है कि अपने काम खुद से करना सीखो, और हमेशा यही कहा है कि भगवान हमारे साथ है और किसी की हमें जरूरत नहीं। सुब्रत, आप जिन लोगों से आप भी मुखातिब हो रही हैं उनमें से ज़्यादातर किशोर उम्र के विद्यार्थी हैं, कुछ हमारे वो एलुमनाइज यहाँ मौजूद हैं जो कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं, कुछ अभी बच्चे हैं,
उन सबकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, और उनमें से अधिकतर लोग जब वास्तविक जिंदगी में प्रविष्ट होते हैं उस टाइम कई बार जब उसको सपने पूरे होते हुए नहीं दिखते हैं तो वो अंदर से टूट से जाते हैं और कई बार गलत राह पर भी निकल पड़ते हैं। मैं समझता हूँ आपका यहाँ आना तब सार्थक होगा जब आप उन्हें कोई सार्थक मैसेज दे करके जाएं, और हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता तब भी तब होगी। आप उन नौनिहालों को क्या कहना चाहेंगे वास्तविक जिंदगी के लिए, जिस तरह से आपने जिंदगी को फेस किया है? मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान 10 दरवाजे खोलता है। कभी उदास नहीं होना चाहिए, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया। आपके पास बहुत कुछ है, उसे पहचानने की जरूरत है। अगर एक चीज चली जाती है तो आपको बहुत चीजें भगवान और भी देता है। कभी गिव अप मत करो, कभी गलत राह पर मत चलो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक फील्ड में आप फेल हो गए तो आप ये सोचो कि आप उस फील्ड के थे ही नहीं, आपको उस फील्ड के लिए बनाया ही नहीं आपको। तो जो आपके अंदर टैलेंट है उसके बाहर लेके आओ। अगर आप मुझमें देखो कि मैं पहले नर्सिंग करती थी, ओके, मैंने जीएनएम नर्सिंग किया, उसके बाद मैं बीएससी नर्सिंग करने लगी थी जब मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो डांस को मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशन बनाऊंगी। तो अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं तो उदास होकर बैठ जाती कि अब मैं क्या करूंगी, मेरी पढ़ाई भी वेस्ट होगी, 3 साल मैंने जीएनएम में लगाए, अब मैं आगे क्या करूंगी, ये तो जॉब नहीं कर सकती मैं। तो मैंने सोचा कि ये चीज मेरे लिए बनी नहीं, मैं डांस के लिए बनी हूँ, मैं इसको लेके जाऊंगी आगे। तो आप भी यही सोचो कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालो, कभी गलत राह पर मत चलो। चलिए अभी आपसे और बात करनी है, आपकी माँ यहाँ मौजूद है, उनसे भी हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले सब लोगों को इंतजार आपकी परफॉर्मेंस का है, क्योंकि टीवी पे लोग आपको इस रूप में देखते हैं। एक बार एक छोटी सी परफॉर्मेंस आपकी हो जाए, उसके बाद सारे लोग आपको खड़े होकर के सलाम करेंगे। भैया म्यूजिक चालू करें प्लीज, फेविकॉल। लड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, जब जोर जोर से वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलो इस खतर के मच जाए मदर, होश वाले भी मद होश मेरे नजर, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार पट्टा ले सैया मिस कॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। को दोहराना चाहूंगा, हम में से बहुत सारे लोग दो पांव के होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते, और ये सुब्रीत हैं कि अकेले पांव के दम पर पूरे हिंदुस्तान को हिला रही हैं। सुब्रीत, मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा था, आपने कहा था जब लोग आपको विकलांग कहते थे, हैंडीकैप कहते थे, आपने कहा कि विकलांग वो नहीं होते जिनसे ईश्वर ने कुछ छीन लिया है, विकलांग तो वो होते हैं जिनको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सारा सामर्थ्य दिया और उसको काम में नहीं लेते हैं। ईश्वर ने मुझसे तो छीना है, उसके बावजूद मैं तो बहुत कुछ दे रही हूँ, आखिर ये भावना कहाँ से आई आपको? जब मेरी टांग कट गई थी तभी मैंने सोचा था
कि मैं किसी से ये नहीं सुनूंगी कि मैं हैंडीकैप हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये वर्ड मेरे साथ ये वर्ड जुड़े ही ना, मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हैंडीकैप वो होता है जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करता, तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि लोग मुझे हैंडीकैप मत कहें। कई बार लोगों ने कहा भी होगा आपको ऐसा, उस समय कैसा महसूस होता था? हाँ जी, बहुत बार कहा भी था मुझे पहले, जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, जब मैं उसके बाद मैंने कॉस्मेटोलॉजी का भी कोर्स किया अपने एक्सीडेंट के बाद, तो जब वो क्लास लगाने जाती थी तब मुझे लोग कहते थे, पर मैं मुस्कुरा के उनको यही कहती थी हाँ जी मैं हूँ, क्योंकि मैं अंदर से ये सोचती थी कोई बात नहीं, मेरा काम देखेंगे तो आप खुद ब खुद मुझे हैंडीकैप नहीं बोलेंगे, तो किसी को चुप कराने से बेटर है कि अपने काम से उसको चुप करवाओ। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दी है, इस डांसिंग के अलावा कई बार ये नहीं लगता कि मैं एक्टिंग के फील्ड में जाऊं या कोई दूसरी हॉबी को अपना फील्ड बनाऊं? आपकी हॉबीज के बारे में हमारे सारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, डांस के अलावा क्या क्या आपके शौक और क्या आप करना चाहते हैं? डांस तो मेरी लाइफ है, और अगर हॉबीज की बात करूँ तो मुझे एक्टिंग करना भी पसंद है, वो भी मैं कर रही हूँ, पंजाब में एक दो फिल्म्स में मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत सिंगिंग का शौक है। अच्छा, सिंगिंग भी करती हैं? चलिए डाका जी, आपने जिस पर्पज के लिए बुलाया उसमें एक पर्पज और मैं ऐड कर देता हूँ, मेरा कुछ एडिशनल कर देना, एक गाना हो जाए, एक बार जोरदार तालियां, डांस के साथ साथ सॉन्ग, एक गाना कोई भी आपकी पसंद का, क्योंकि ये शेखावटी के लोग हैं, ये जब भी किसी गेस्ट आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो पूरा उसका निचोड़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है ना कि एडिशनल क्या क्या आता है, तो पूरा फायदा उसका उठाते हैं, तो हमारे डाका जी तो इस मामले के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं हो ही जाना चाहिए, कोई भी जॉब। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुमसे जुदा हम हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब, तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू। डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, एक त्रिवेणी सी नजर आती है, अपने अंदर के कलाकार को पूरा करने के लिए आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीजें, आप डेली कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं एक्टिंग भी करती हूँ, डांस आपका भी हमने देखा, आपका सिंगिंग अभी हमने देखा, अपने अंदर के कलाकार को और मजबूत करने के लिए आपकी दिनचर्या की कुछ खास ऐसी बातें जो हमसे शेयर कर सके आप? मैं दिन में एक घंटा तो मैं जिम में लगाती हूँ, एक डेढ़ घंटा जिम जाती हूँ, और उसके बाद डांस करती हूँ, एक दो घंटे मेरी डांस क्लास होती है, तो उसके उससे पहले मैं सुबह जब उठती हूँ तो उसके उठने के बाद फिर मैं जिमनास्टिक के लिए जाती हूँ, और कभी कभी योगा क्लास भी ज्वाइन कर लेती हूँ, पर ज्यादातर मैं जिम और डांस क्लास को प्रेफर करती हूँ। चलिए, अब हमारा ये सौभाग्य रहेगा कि आपकी माँ आपके साथ हैं, पर माँ से बात हो जाए किस तरह से उन्होंने, मैं डाका जी से आग्रह करना चाहूंगा, प्लीज सुब्रीत की माँ को मंच पर लेकर के आए, और आप एक बार जोरदार तालियों से उस गौरवशाली माँ का स्वागत और इस्तकबाल करें जिनकी बेटी ने उनके माँ होने को सार्थक किया है। दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका सीना और जिनका सिर अपनी औलाद की वजह से पूरी दुनिया में ऊंचा होता है, बहुत मजबूत महिला हैं। आज सुबह जब होटल में हम आपसे मिले थे तब आपका ये कहना था कि मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, मैंने पूरी जिंदगी को एक जंग के रूप में लिया है और उसे जीतने का प्रयास कर रही हूँ मेरी औलाद के बहाने से। एक बार जोरदार तालियों से सुप्रीत की गौरवशाली माँ का स्वागत और अभिनंदन इस मंच पर करें। हमारा सौभाग्य है कि जिस गौरवशाली माँ ने सुब्रीत को तैयार किया, देखिए ये होते हैं संस्कार, हम में से बहुत सारे लोग माँ बाप को झुक करके प्रणाम करने में शर्म महसूस करते हैं, और सुब्रीत एक पांव के होने के बावजूद उठने में भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन माँ का खड़ा होकर के स्वागत किया है। इनको बुलाने का उद्देश्य भी हमारा ये था कि आप यहाँ से कुछ सीख करके जाए, बैठे प्लीज सुब्रीत।
अदा जी, मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी फौलाद की बनी हुई हैं। शुरू से संघर्ष, जिंदगी ने हर कदम पर आपका इम्तिहान लिया है और मुझे यह लगता है कि अब तक की जिंदगी में आपने उस इम्तिहान को जीता है। कई बार ऐसे नहीं लगता कि आप अंदर से टूट करके बिखर चुकी हैं? जब बचपन में सुब्रीत के पिता का हादसा देखा, बाद में सुब्रीत का हादसा देखा, आपको क्या लगता है? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी बेटी को इतना मान सम्मान दिया और इतना प्यार दिया। उसके बाद आगे बात होती है मेरे संघर्ष की, क्योंकि जो हम पहचाने तो हम सभी की जिंदगी एक संघर्ष है। इसके बाद जो मेरी जिंदगी में संघर्ष आए उसको जो मैं आपको बताने लगूं तो आप सुन नहीं सकेंगे, क्योंकि कितने पहले मेरी छोटी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी दोनों टांग का फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद वो बेड से जब वो चलने लगी तो उसके बाद 8 महीने के बाद इसका एक्सीडेंट हुआ। और इसका तो एक्सीडेंट होने के बाद 1 साल मेरा ऐसा संघर्ष रहा कि डॉक्टरों ने जब पीजीआई से जवाब दे दिया तो 9 देशों में बाद में इसकी लेग काटने के लिए उन्होंने भेजा कि कोई लेग काटने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये भी मॉल्फर्मेशन की प्रॉब्लम थी इसकी लेग में और कोई लेग काटने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलते थे ये निकालेंगे तो हिप जॉइंट से निकालेंगे और नी जॉइंट से नहीं निकालेंगे। मैंने एक जिद पकड़ ली थी कि मैं हिप जॉइंट से नहीं निकलवा सकती, क्योंकि उससे तो खड़ी भी नहीं हो पाएगी। और उसके बाद उस दिन मेरे हौसले को थोड़ी ठेस पहुंची थी जिस दिन उन्होंने फॉरेन कंट्री से भी सभी जगहों से जवाब मिल गया था कि किसी कंट्री में भी इसका ये इलाज नहीं हो सकता, इसकी नी जॉइंट से लेग नहीं काट सकते। और रास्ते में मैं थोड़ा रोई और मेरी बेटी मेरा वेट कर रही थी कि डॉक्टर क्या बोलेंगे आज, क्या कोई मेरा लेग काटने के लिए नी जॉइंट से तैयार होगा। जब मैंने घर आई तो इसने मेरे आंखें भर कर मेरी तरफ देखा कि मम्मा डॉक्टर ने क्या बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने कहा मम्मा जवाब मिल गया। मैं कोई गल नहीं बेटा, ये एक जगह से जवाब मिला तो कोई आगे मैं देखूंगी, जरूर देखूंगी। दूसरे ही दिन मैं दूसरी ओर चल पड़ी, क्योंकि पीजीआई को आप जानते हैं कि हम बहुत बड़ा हॉस्पिटल मानते हैं। तो उसके बाद पर मेरा मन था कि कहीं ना कहीं परमात्मा ने मेरे लिए कुछ ना कुछ रखा है। और जब दूसरे दिन बारिश हो रही थी तो मैं चलने लगी तो इसने बोला मम्मा इतने बड़े हॉस्पिटल से जवाब मिल गया, अब कहाँ जाएंगे। मैं नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मेरा मन बोलता ना कहीं हमको परमात्मा साथ देगा। उसके बाद मैं लुधियाना में गई, डॉक्टर ने बोला आप ले आओ बेटी को। मैं लेके गई, उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको विश्वास नहीं दे सकते कि हम इसका इलाज सही कर पाएंगे या इसकी टांग कर पाएंगे। हाँ हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोल रखा था कि धीरे धीरे नर्वस सिस्टम है जो खत्म हो रहा है और ये साल 1 या 1.5 साल के ज्यादा जी नहीं पाएगी। और इसकी कोई भी नर्व मिलती नहीं थी एक इंजेक्शन लगाने के लिए, इतना कमजोर पड़ गया था। उसके बाद डॉक्टर ने जब 16 दिन के बाद इसका ऑपरेट का टाइम रख लिया और ऑपरेट के टाइम जब जा रही है तो तब भी हम माँ बेटी रो रहे थे, मेरी छोटी बेटी थी कि पता नहीं कैसे आएगी, बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, पर हंसती जा रही थी। इन्हें पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो हंस रही थी। और उसके बाद 1.5 घंटे बाद वास्कुलर सर्जन ने मेरे को बुलाया और मैंने सोचा कि ये बची नहीं होगी, कि इतनी जल्दी तो इतना बड़ा ऑपरेट हो नहीं सकता। पर जब मैं उनके दफ्तर में गई तो उन्होंने मेरे को जब हौसले से बोला कि आ जाओ, तभी मेरे को मैं उनके पैरों में गिर पड़ी कि मेरे को आज भगवान मिल गया, उनके कहा आपकी बेटी बच गई।
वो ठीक ठाक है, उसका जो ऑर्थो डॉक्टर है वो अपना इलाज आगे कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे चलने लगी और जब इसके दोबारा घर आ गई तो प्रैक्टिस कर शुरू कर दी और दोबारा फिर स्टम में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा फिर जब एदा ऑपरेट किया उन्होंने तो बोला कि जब अब करेगी तो अब तुम्हारी ऊपर से हम हिप जॉइंट से टांग निकालनी पड़ेगी। तो कुछ देर इसने आराम किया पर फिर भी उसके बाद इसने या 6 महीने के बाद घर ही अपना एक्सरसाइज शुरू की और बहुत ज़्यादा मेहनत की। और मैं हमेशा इसको कभी भी हमने रोके टाइम नहीं निकाला था। जब 1 साल बेड पर पड़ी थी तो हमेशा ये भी हंसती सी और मैं भी हंसती सी और कभी भी उदास नहीं सी हुए। हम हमेशा मन को लगता था वो कहीं ना कहीं परमात्मा हमारा साथ देगा, जरूर देगा। और एक दिन ऐसा आया कि हमारा साथ दिया और टांग कटने पर ना मैं रोई थी ना ये रोई थी, हमने इससे सोचा था कि अब खड़ी होगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। माता जी आपने, मुझे लगता है कि आप पेरेंटिंग की मिसाल हैं, मातृत्व की मिसाल हैं। बेटी को इस रूप में आपने तैयार कर लिया है। हमारे यहाँ वो सारे गौरवशाली माँ बाप मौजूद हैं, पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना खून और पसीना बहा करके कुछ अर्जन करते हैं और उसके बाद उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में भी आती हैं, वो भी अंदर से टूटने से लगते हैं, कई बार बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है या कोई ट्रेजडी आ जाती है। आप हमारे उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने खुद की जिंदगी को और अपने बच्चों की जिंदगी को एक प्रॉपर ट्रैक पर रख सकें एक माँ के रूप में, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मातृशक्ति मौजूद है। मैं सभी पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूंगी कि मुश्किलें हर एक की जिंदगी में आती हैं और उन मुश्किलों के जो हंसते हंसते हम फेस करेंगे तो बहुत इजी निकल जाएंगी ये कभी भी, क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो हम मजबूत नहीं होते। हो सकता है इतनी मुश्किलें मेरी जिंदगी में आई, मैं इसीलिए इतनी मजबूत हुई हूँ, क्योंकि जब आप सारी जिंदगी सुखों के सहारे गुजारते हैं तो मैनू नहीं लगता कि कोई किसी मुश्किल को इतना सौखी तरह फेस कर पाता है। क्योंकि मैनू तो यही लगता है कि मैं मुश्किलों के सहारे ही इतना मजबूत बन पाई हूँ। और कभी भी घबराना मत, और जब हम मजबूत होंगे तभी हमारे बच्चे भी मजबूत होंगे। और हमेशा बच्चों को मजबूत इरादे से रहना सिखाइए और आप भी जब मजबूत होंगे तभी बच्चे मजबूत होंगे। चलिए थैंक यू। अब अंतिम क्वेश्चन सुभीत से। आपने इंडिया गोट टैलेंट में पार्ट लेकर के पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला दी, हर टीवी चैनल आपको बुला करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता है। अब इससे आगे आप क्या सोच रही हैं, किन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रही हैं? जी हाँ, मैं अभी एशिया गॉट टैलेंट के लिए तैयारी कर रही हूँ और 23 नवंबर को मैं उसके लिए मलेशिया जा रही हूँ। तो आप सब भी मेरा साथ देना, अगर मैं आगे जाती हूँ तो आप सबने वोट डालनी है पहला की तरह। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू। तो ये वो गौरवशाली माँ और बेटी थी जो ये कहते हुए कि हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बसाना छोड़ते हैं। हमें मालूम है इस राह की दुश्वारियां, मगर दुश्वारियों के डर से क्या इस राह पे चलना छोड़ दें। राह पे चल चुकी हैं और संपूर्ण हिंदुस्तान में अपनी सनसनी फैला रही हैं। अंतिम परफॉर्मेंस हम शुभ की ओर से देखेंगे, म्यूजिक, और उसके बाद अलविदा कहेंगे शुभ को।